दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेटीएम कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। गाइस यहां पे अगर आप लोग को भी पेटीएम से कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप लोग पेटीएम के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, तो फिर बने रही मेरे साथ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सौरभ कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस आप लोग को आना होगा क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे आप लोग को टाइप करना होगा पेटीएम कस्टमर केयर, ठीक है, और टाइप करके आप लोग को सर्च कर देना होगा इसको। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग के पेटीएम कस्टमर केयर के यहाँ पे जो है नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पेटीएम कस्टमर केयर नंबर। तो यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बैंक वॉलेट एंड पेमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग को इससे कोई इशू आता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। पेटीएम मॉल शॉपिंग ऑर्डर से कोई इशू आता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ट्रैवल एंड होटल से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो मुझे वॉलेट से प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहाँ पे इस नंबर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से जो है डायल कर दूँगा। तो गाइस आप लोग इस नंबर को अपने जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही डायल करना जिससे आप लोग को बढ़िया फैसिलिटी मिल सके। आपका स्वागत है के लिए एक तो यहाँ पे जो भी इशू आ रहा है सिलेक्ट कर लीजिए, मैं चार को प्रेस करूंगा बटन को। पैसे ऐड करने से संबंधित सवालों के लिए एक दबाएं, वॉलेट द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से संबंधित सवालों के लिए दो दबाएं। अगर आपको पेटीएम वॉलेट से संबंधित सर्विसेज या आपको वॉलेट से संबंधित पेमेंट से जुड़ी समस्या है तो तीन दबाएं। अपना वॉलेट बैलेंस चेक करने के लिए तो मैं यहाँ पे तीन दबा दूंगा। अन्य पेटीएम यूजर को पैसे भेजने से संबंधित प्रश्नों के लिए एक दबाएं, मर्चेंट्स के पेमेंट से संबंधित प्रश्नों के लिए दो दबाएं, वॉलेट से बैंक में पैसे भेजने तो मैं दो दबा देता हूं यहां पे क्योंकि मुझे मर्चेंट्स का प्रॉब्लम है। पेटीएम ऐप पर जाएं और 10,000 वॉलेट लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए KYC करें। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा सुनने के लिए एक दबाएं, पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार दबाएं, मेन मेन्यू में जाने के लिए हैश दबाएं, हमारे एजेंट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो आप लोग को 9 दबा देना होगा यहाँ से। एजेंट से बात करने के लिए आपको अपना पासकोड या OTP दर्ज करना होगा। पासकोड के लिए एक दबाएं, OTP दर्ज करने के लिए 9 दबाएं। तो मैं यहाँ पे 2 दबा दूंगा, OTP के जरिए मैं कॉन्टेक्ट करूंगा। प्राप्त हुए OTP को दर्ज करें। तो OTP मेरे पास आ चुकी है और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, एक बार अनलॉक करता हूँ फ़ोन को। तो OTP हमारी है 71 79 97। हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एजेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। OTP सही से डालना। एजेंट आपको सिर्फ उसी मोबाइल नंबर से जुड़ी जिसके लिए आपने अनुरोध किया है और यह कॉल गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्कार, आपकी बात काजल से हो रही है, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? मैं अपना जो पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन है तो उससे जो मैं मनी को रिसीव से आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। गाइज अगर आप लोग को पेटीएम कस्टमर केयर से बात करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।